नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनंजय। आप देख रहे हैं खेती गुरु जी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आए हैं श्री तेजस्वी लेंगरे जी सर इनके फार्म पे। तो इन्होंने दोस्तों इनके गोट फार्मिंग के लिए तुती की बुआई की है, रोपाई की है और तुती से घास बना के ये अपने बकरियों को डाल रहे हैं। तो दोस्तों, इससे क्या हो रहा है कि बकरियों की सेहत अच्छी हो रही है और बकरी के जो छोटे बच्चे हैं वो भी सेहतमंद पैदा हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस तुती के बारे में हम पूरी जानकारी इनसे जानने वाले हैं। और दोस्तों, इनके पास बोलते प्लांट चाहिए, रोपाई करनी है तो भी ये इनके पास अवेलेबल है, तो इसके बारे में भी ये जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार सर। नमस्ते सर, आपने तुती की रोपाई कब की थी इसकी? सर देखिए, ये अभी जो आप पौधे देख रहे हैं, ये पौधे आपको कम से कम ये एक साल के पौधे हैं। अभी इसमें और भी फुटाई होगी और भी इसमें यानी कि और भी इसमें और निकल आएंगे फूट्स। तो अभी जो आप देख रहे हैं, ये तुती का प्लॉट है मेरा और ये तुती जो है मेरे पास कम से कम 4 एकड़ के लमसम तुती है। सर, इसकी बुआई बीज से होती है या रोपाई से? कैसे? दोनों से होता है सर, दोनों से होता है। फायदेमंद कौन सा रहता है सर? आप अगर इसके पौधे लगाएंगे तो तुरंत आपको फसल मिल जाएगी। okay. और आप अगर इसकी स्टिक लगा देंगे तो थोड़ा लेट हो जाएगा, यानी कि इसमें का दोनों का अगर गैप निकालेंगे हम तो 2.5-3 महीने का गैप रह सकता है। सर जी, इसकी लगाने का विधि क्या होता है वो भी हमें बताइए जरा। सर देखिए, जैसे हल चलाया आपने तो 3x3 के आपको चारी लगानी है, तो ट्रैक्टर से बन जाती है। रेजरिंग बनाने या बेड बनाने? बेड बनाने 3x3 के, और इसकी जो एक लाइन में लगानी है, एक लाइन में जो हम इसका स्टिक लगाए या फिर पौधा लगाएंगे तो ये लगाएंगे हम सर 1.5 फीट या 2 फीट पे एक पौधा। सर तो अभी हमें ये भी बताइए, रोपाई होने के बाद ये कब बकरियों के डालने काटने के लिए कब आता है ये? देखिए, 3-3.5 महीने में शुरुआती में तौर में आ जाएगा। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो 1.5 से 2 महीने तक ये कटिंग के लिए रेडी हो जाएगा। जैसे आप कटिंग करेंगे फिर से आ जाएगा। इसको एक बार लगा दिया सर तो ये सालों साल चलेगी, जैसे कि 100 साल चलेगी, 200 साल चलेगी, 150 साल चलेगी। एक बार लगा दिया बस चलती रहेगी। ओके सर, तो इसका महत्व क्या है कि ये बकरी पालन में इससे क्या फायदा होता है हमें? देखिए सर, इससे प्रोटीन मात्रा बहुत है इसमें, इसमें कैल्शियम बहुत है और ये बकरियां खाने से बकरियों के ऊपर इसकी एक चमक आ जाती है अच्छी सी। और इसके पत्ते जो आप देख रहे हैं, ये पत्ते तो बकरियां खा जाती है लेकिन इसकी साल तक नहीं छोड़ती है बकरियां, इसकी साल भी बाद में खा जाती है और बहुत अच्छे लेवल पे खाती है सर। इसको जैसे कि फार्म में डाल दिया और 15-20 मिनट में अगर वापस गए तो फार्म में ये डाला था कि नहीं डाला था ये समझ में नहीं आता, इतना खा जाती है इसको। यानी कि ये पूरी तरह 100% खा जाती है? बिल्कुल खा जाती है सर। तो हमें ये भी बताएं, इस पे कुछ प्रकार के रोग आते हैं या कीट आते हैं क्या, और उसका प्रबंध आप कैसे करते हैं? देखिए, अगर आप बात करेंगे कि इसमें क्या कीड़े मकोड़े आते हैं या फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है क्या, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आपका धूप का मौसम रहे, बारिश का रहे, ठंड का रहे, कुछ भी रहे, बस ये चलती रहेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बस इसको काटो, एक बार लगा लो, बस काटो, लेके जाओ नीचे अपने फार्म में डालो। इससे आपका फायदा क्या होगा, इससे आपका मुनाफा क्या होगा? तो आपको सपोर्टिव खुराक बकरियों की देने की जरूरत नहीं। जैसे मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि भाई जीरो मेंटेनेंस पे अपना फार्म संभालो तभी आपको 2 रुपए बच जाएंगे। आप क्या कर रहे हैं, मक्का डाल रहे हैं, गेहूं डाल रहे हैं, भूसा डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं, कहाँ कहाँ से आप ये सपोर्टिव खुराक लेके डाल रहे हैं। बढ़िया लेवल पे आप मूंगफली का उसका पेन डाल रहे हैं, आप कुछ भी डाल रहे हैं बकरी फार्म में, मत डालिए भाई साहब। ये 5 या 6 प्रकार के जो मैं आपको बता रहा हूँ उसकी प्रजाति लगाइए अपने फार्म में, अपने फार्म के लिए, और ये आपको सालों साल चलने वाली फसलें है, ये आपको मुनाफा देगी। इससे आपको बहुत अच्छा मुनाफा ही मुनाफा होगा। ये अगर आप लगाते हैं आपके फार्म में तो देखिए, ये एक बार लगा दिया है मैंने, ये सालों साल चलेगी, और बस एक बार काट दिया तो दोबारा से आ जाएगी। आप कटिंग करके आगे चले जाएंगे तब तक दूसरी जगह ये रेडी हो जाएगी, बस फिर से काटना है, लेके जाना है नीचे अपने फार्म में डालना है। बकरियां भी इसको अच्छे से खाती है, बकरियों की चमक भी अच्छी हो जाती है और बस तंदुरुस्त रहती है बकरियां नेचुरल लेवल पे। जैसे कि हम डिस्कवरी चैनल में देखते वहां भाई कौन देता है सपोर्टिव खुराक, भैंस हो, गाय हो या फिर वहां बकरी भेड़ बकरियां हो, उनको कौन जाके देता है सपोर्टिव खुराक? बस इतना ख्याल रखिए, इतनी सोच रखिए कि भाई उनको कोई खुराक नहीं खिलाता तो हम भी बकरियों को अगर अच्छा चारा देते, अच्छा
खाना देते हैं तो वो भी तंदुरुस्त रहेगी, हेल्दी रहेगी। तो तुती लगाइए, अगर आपको इसके पेड़ चाहिए, पौधे चाहिए तो आप मिल जाए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए खेती गुरुजी चैनल के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते।